और जो शिवसेना के मुखिया राजद्रोह लगा रहे हैं, आप देखिएगा इन्हीं की कब्र खुदेगी, राजनीतिक कब्र खुदेगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। तो आप पता नहीं गधा कौन है, दिखाइए याकूब मेमन, पता नहीं कौन गधा है। सुनिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए, वो एसीजी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे घर में कहीं है। अभी सुनिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। दिखाइए इनको, इनको थोड़ा शर्मसार करेंगे नेशनल टेलीविजन। देखिए बिल्कुल सही बात करी, और मुझे तो ऐसा लगा कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वर्सेस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। तो ओवैसी जी ने हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करी, और जहर घोलने का काम कौन करता है, सबसे ज्यादा तो ओवैसी जी करते हैं। इन्होंने कहा कट्टा तलवार और पत्थर दे देते हैं, ये भूल गए कट्टा तलवार पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब भी हैं, जो खारगोन में पकड़े गए हैं ना, पेट्रोल बॉम्ब, जांगीरपुरी पेट्रोल बॉम्ब। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जैसे ओवैसी जी जांगीरपुरी की जो घटना हुई उसके बाद सबसे पहले अदिति जी खुद ही जज बन गए। उन्होंने कहा ये भोले भाले मासूम मुस्लिम बच्चे जो है ना, इनके खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है। मतलब न्यायालय क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, उन्हें इससे मतलब ही नहीं है। ये पता नहीं जहां भी बैरिस्टर बन के आए वहां कानून ऐसा ही होता होगा, खुद ही आरोप लगाओ, खुद ही जज बनो और बता दो कौन ठीक है कौन नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग वो लोग हैं जो हर किसी को, पत्थरबाज हो, दंगाई हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, ये केवल उसे धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये लोग चाहते हैं अपने लिए तो जो सार्वजनिक रोड है उसको भी बंद करा दिया जाए नमाज के लिए, लेकिन अगर हिंदू कोई करे तो ना ओवैसी जी ना उनके प्रवक्ता हिंदुओं के हक की बात करेंगे। हाँ ये भी बात ठीक है, आज का हिंदू इतना मजबूत है, उसको जरूरत नहीं है कि ओवैसी जैसे लोग हमारी जो है पैरवी करें, हमारी बात करें। हमें पता है संविधान क्या कहता है, संविधान के दायरे में रह के पूजा पाठ होगा। और जो शिवसेना के मुखिया राजद्रोह लगा रहे हैं, आप देखिएगा इन्हीं की कब्र खुदेगी, राजनीतिक कब्र खुदेगी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। सबसे पहले तो आपने जो AIMIM को लेकर जवाब दिया उस पर सैयद असीम बकर, आपका कहूं डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, ये बीजेपी कह रही है। नहीं कोई काउंटर नहीं, मैंने आपसे कहा ना कोई काउंटर नहीं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं होती और जिनकी जिनके पास कान नहीं होते हैं, तो उन पर तो तरस खाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आंखें होते हुए भी बंद कर लेते हैं, जबान होते हुए भी ताला डाल लेते हैं, और वो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं, वो सुनते भी नहीं है कुछ। अब मैंने आपसे पूछा कि कट्टे लेके चल रहे थे लोग, तो किसी ने तो दिए होंगे कट्टे, मैं चैनल पे आपके ऐलान कर रहा हूँ। अब इतने लोग बैठे हुए, अब हिम्मत है किसी में तो बोले किसने कट्टे दिए, इसकी जांच कौन करेगा। मैं बोलता ना DCP दिल्ली जो है, वो जो कमिश्नर आप पुलिस आप दिल्ली जो है, वो भी नहीं पूछ रहे किसी से। और एक एक चैनल पर तो एक बड़ा मजेदार बात हुई, एक साहब बोले अगर दो चार कट्टे नहीं भी आए तो क्या। मैं दूसरे चैनल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, ये मंच दूसरे चैनल्स के लिए अकाउंटेबल नहीं है सैयद असीम बकर, सॉरी दूसरे चैनल्स के लिए हम अकाउंटेबल नहीं। आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए, गौरव भाटी, उसके बाद वापस आपको फ्लो दूंगी। दो चार कट्टे, एक साहब बोले कि दो चार कट्टे, सैयद असीम बकर जवाब ले लीजिए प्लीज, जवाब सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए, फिर जवाब सुनने का थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर ले भी आए तो क्या हुआ, सुन पा रही हूं आप क्या बोल रहे हैं प्लीज, क्योंकि एट द सेम टाइम दो चार पांच कट्टे ले आए कुछ हुआ नहीं। अब आप सुन तो लीजिए सर, सवाल पूछा है तो पेशेंस तो रखिए, पेशेंस तो रखिए, क्या बात कर रहे हैं आप, सब्र का फल मीठा होता है, क्या बात कर रहे हैं आप, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए गौरव भाटिया, जवाब ले लीजिए, जवाब ले। देखिए आरोप मुझे उत्तर देना चाहिए इनकी बात का, इन्होंने एक प्रश्न वाजिब किया, कट्टे कहाँ से आए, एक बार ओवैसी जी से पूछिएगा, जो कट्टे लेके आए ना उनको तो वो कहते छोटे मोटे ये प्यारे प्यारे इनोसेंट वाले मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन उनपे NSA लग गया है राशू का। और आपने कहा इन लोगों की आंखें नहीं है कान नहीं है, गांधी जी के बंदर है, आंखें नहीं है कान नहीं है, काम चल जाएगा सैयद भाई, जिनका जमीर नहीं है ना, जो हफीज सैयद के गधे बने हुए हैं उनसे दिक्कत है। तो बंदर तो समझदार होते हैं, लेकिन गधे बन जाओ हफीज सैयद के और आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाओ, याकूब मेमन का धर्म देख के कहो उसको फांसी इसलिए हुई कि वो मुसलमान है, ये दिक्कत की बात है। तेरा बाप।
और मैं इतना ही इनसे एक बात और कह दूं, ये ओवैसी जी ने कहा था जहांगीरपुरी के बाद, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप लोग खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, आपने आतंकवादियों को लोकसभा में बैठा दिया, आपने आतंकवादियों को लोकसभा में बैठा दिया। वो जो जमानत पे रिहा है मेडिकल ग्राउंड पे, मैं कभी जिन पर आतंकवाद का चार्ज है, मालेगांव ब्लास्ट का चार्ज है, जो अभी रिहा नहीं हुई है, उनको आपने लोकसभा में बैठा दिया, तो आप पता नहीं गधा कौन है। दिखाइए याकूब मेमन, पता नहीं कौन गधा है। सुनिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए, वो एसी जी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे घर में कहीं है। अभी सुनिए, याकूब मेमन को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो मुसलमान है। दिखाइए इनको, इनको थोड़ा शर्मसार करेंगे नेशनल टेलीविजन। ये आतंकवादी देश के खिलाफ है, कहते हैं मुसलमान है इसलिए। आप बताइए। हाँ धन्यवाद, बिल्कुल दे जवाब। देखिए करना पड़ेगा, इसमें खाली ओवैसी साहब को क्यों कह रहे हैं आप? याकूब मेमन तो बहुत से गैर मुसलमान आतंकवादी है कि नहीं आपकी नजरों में? और आप जरा उनकी बात आप बताइए, याकूब मेमन मेरे भाई है या नहीं है? जरा एक बार गौरव भाटिया जी का चेहरा जूम कीजिए। मेरे भाई मैं भी पूछ नहीं, गौरव भाटिया जी का चेहरा जूम कीजिए, घिनौना चेहरा जूम कीजिए। ये वही गौरव भाटिया चेहरा सबके दिलों में है। बुरहान वाली जूम करने की सरकार बनाई, आप किसी की शक्ल पे थोड़ी ना टिकट टिप्पणी कर रहे हैं। आप तौर पर बात कीजिए सर, बुरहान वाली को सही तौर पर बात कीजिएगा। किसका चेहरा कैसा है, किसका चेहरा कैसा है, ये आपके लिए कमेंट करने का मुद्दा नहीं है सर। घिनौना चेहरा, घिनौना चेहरा जूम कीजिए गौरव भाटिया। आप तौर पर बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए। उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा याकूब मेमन को लेकर, उस पर जवाब दीजिए। हमारे नेता को आप घिनौना कराइएगा सर, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप सुनते नहीं है, यही दिख रहा है सर। मुझे पर जवाब दीजिए, याकूब मेमन को लेकर जो सवाल पूछा उस पर जवाब। आतंकवादियों की पैरवी करोगे, केवल चेहरा नहीं, नियत भी कहूंगा घिनौनी है, नियत भी घिनौनी है। मैं बता रहा हूँ, गौरव भाटिया की पार्टी ने बुरहान वाली को शहीद कहने वालों से सरकार बनाई। अरे गलत, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, कौवा काटे का काला। देखिए पूरा देश देखे, कौवे की चोंच टूट जाएगी, इतना झूठ बोलते हो। मैंने सवाल पूछा याकूब मेमन के बारे में, बोलने में दही जम गई। कौवे की चोंच क्या मुंह तोड़ दिया है कि नहीं, इतना ही बता दो। कौवे का मुंह भी तोड़ दिया, पूरा देश जानना चाहता है याकूब मेमन की चोंच नहीं टूटती है। याकूब मेमन आतंकवादी है या नहीं है बताओ? अफजल गुरु आतंकवादी है? बुरहान वाली की बात करो, बुरहान वाली अच्छा लगा मुझे। बुरहान वाली की बात करो, हफीज सैयद का गधा कैसे है, ढेंचू। बुरहान वाली की बात करो, अब नहीं बोला जाएगा याकूब मेमन अफजल गुरु की बात करो, बुरहान वाली की बात करो, हफीज सैयद की बात करो की बात करो, बाबू बजरंगी की बात करो, माया कोटनानी की बात करो, करो एक बार बताओ इसे। मैं बार बार एक बार सबकी कर लूंगा, तुम पहले याकूब मेमन बोलो, को बताओ। बोलो एक बार बोलो, याकूब मेमन है आतंकवादी की नहीं? कौवे की चोंच ओवैसी ने कहा कि नहीं है? कौवे का मुंह मोड़ दो, ओवैसी ने कहा वो मुसलमान है इसलिए उसको फांसी हुई। सुनिए अदिति जी, इसका कोई अंत नहीं है, ये एक्सपोज हो गए हैं। दारा सिंह का घिनौना चेहरा, घिनौनी नियत, घिनौनी मंशा, सब सामने आ गए। काबा लीडर।